हेलो स्टूडेंट, सो स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट मैथ जिसका चैप्टर है 8, है ना। 7 तक हमारा कंप्लीट हो गया, अभी नेक्स्ट चैप्टर है 8, है ना, जो क्या है उसका नाम टेंस एंड वंस। सो आपने ये नाम तो पहली बार नहीं सुना होगा, आपने क्लास फर्स्ट में भी सुना होगा टेंस और वंस के बारे में, आपने पहले पढ़ चुका है, तो उसी के रिलेटेड ये चैप्टर है टेंस और वंस के बारे में। टेंस किसे बोलते हैं और वंस किसे बोलते हैं, है ना, तो उसी के रिलेटेड एक ये चैप्टर है जिसके बारे में आपको टेंस और वंस के बारे में कुछ अलग तरह से डिफरेंट टाइप से और भी ज़्यादा इसमें सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे है टेंस। टेंस क्या होता है, तो आप सोच रहे होगे 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, वो 10 आता है ना, 1, 0, 10, वो है 10, लेकिन इसके पीछे एस लगा है, टेंस हो गया, है ना। इसका मतलब ये है कि एक से ज़्यादा टेंस है, 10 है ना एक से ज़्यादा, तो क्या हो गया, एस लग गया। अब वो एक से ज़्यादा कैसे हुआ होगा, जब 1, 0, 10 हो गया हमारा 1, 10, अब 10 के बाद क्या आता है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 आता है, मतलब 20 में कितने 10 हो गए, 2 10s हो गए। कैसे, देखो यहाँ पे 1, 0, 10 प्लस 1, 0, 10 क्या हो गया, इक्वल टू 1, 1, 2 और 0 क्या हो गया, 2 10s हो गए। 2, 0, 20 मीन्स 2 10s। वैसे ही अगर हम 10 10 के हम ऐसे बंडल बनाते हैं अगर, तो आगे इसके आगे हमारा 21 स्टार्ट हो जाता है, फिर जब वो फिनिश होता है तो क्या आ जाता है, 3, 0, 30। 3, 0, 30 में कितने टेंस होते हैं, 3 10s होते हैं। फिर आता है 4, 0, 40, 5, 0, 50, 6, 0, 60, 8, 0, 80, तो उसमें हमारे जो है वो टेंस जो होता है 10, 10, 10 वो ऐड हो जाते होते जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, हम टेंस बोलते हैं। और फिर क्या है, एंड वंस। अब वंस क्या है, जो ये नंबर जो टेंस के पीछे जो नंबर हमारे ऐड होते रहते हैं ना, जैसे कि अब 10 के बाद 1, 1, 11 आता है, 1, 1, 11, 1, 2, 12, ये हमारा 10 है, और ये सारे जो सिंगल नंबर होते हैं वो हमारे वंस हो जाते हैं, जो 10 के बाद हम काउंट करते हैं, है ना, जो 10 नंबर के बाद हम काउंट करते हैं, 10 के बाद फिर 2, 0, 20 पे हमारा फिनिश होता है, फिर 2 10s के बाद जो हम नंबर काउंट करते हैं, 2, 1, 21, 2, 2, 22, जो हमारे ये सिंगल नंबर होते हैं सारे जो 10s के पीछे लगते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, वंस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वंस। तो ये है टेंस और ये वंस। अब यही चीज़ आपको ये सारे चैप्टर ये इस चैप्टर में सीखने को मिलेगी। तो यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी है, वो आपको सबसे पहले रीड करना है। क्या लिखा है, हेल्प मी, एक गर्ल है यहाँ पे, वो हेल्प मांग रही है अंकल से। अंकल, आई वॉन्ट टू बाई पेंसिल्स फॉर 80 rupees, आई हैव जस्ट 10 rupee notes एंड 1 rupee coins, हाउ मैनी नोट्स एंड कॉइन्स शुड आई गिव यू। अब क्या बोल रही है, जो गर्ल है वो अंकल के शॉप पे गई है और अंकल को बोल रही है, अंकल मुझे 18 rupees की ऐसी पेंसिल चाहिए और मेरे पास कितने रुपए हैं, 10 rupee की नोट्स है। आपने देखा होगा 10 rupees की नोट आपके घर में, तो उसके पास वो है और एक 1 rupee का कॉइन है, सिक्का होता है ना छोटा सा, 1 rupee का कॉइन है। सो हाउ मैनी नोट्स एंड कॉइन्स शुड आई गिव यू, तो बोलती है ये दोनों चीज़ मेरे पास है, 10 rupee की नोट्स है और 1 rupee के कॉइन्स है, तो मैं आपको कितने पैसे दूँ, वो ये गर्ल शॉप वाले को बोल रही है। आपने अगर नोट्स नहीं देखी हो 10 की तो मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे 10 rupees की नोट होती है ना, ये है, क्योंकि यहाँ पे 10 rupee की नोट के बारे में बोला गया है इसलिए मैं आपको 10 rupee की नोट दिखा रही हूँ, और 1 rupee का कॉइन बोला गया है, तो ऐसे हमारा 1 rupee के कॉइन लिखा होता है जिसमें क्या है, ऐसा 1 लिखा हुआ होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो, है ना, ऐसा 1 लिखा होता है, तो ये 1 rupee का कॉइन है। अब क्या बोला गया है यहाँ पे, सो अंकल को वो गर्ल बोलती है कि आप, मैं आपको कितने रुपीस दूँ, सो 80 rupees मीन्स आई 1 note of 10 rupees, है ना। अब वो अंकल उससे क्या बोलते हैं कि 18 rupees मीन्स आप मुझे 10 rupee की एक नोट दो, यानी 10 rupee की ऐसी आप मुझे एक नोट दो, दैट मीन्स ये 10 rupees कंप्लीट हो गए हैं,
है ना, ऑफ 10 रुपीज एंड 8 1 रुपी कॉइन्स, है ना। ये 10 कंप्लीट हो गया, 1 0 10 यहाँ पे लिखा है। आप अंकल को, अंकल वो गर्ल को क्या बोलते हैं कि आपको 18 रुपी की पेंसिल चाहिए, तो आप मुझे एक ऐसी 10 रुपी की नोट दो। 10 रुपी कंप्लीट हो गए, और आपके पास 1 रुपी का कॉइन है, तो आप मुझे 8 1 रुपी कॉइन्स दोगे। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रहा हमारे पास 8 कॉइन नहीं है, बट ऐसे ही कॉइन होता है 1 रुपीज़ का, वो 8 देंगे, मतलब 8 रुपी कंप्लीट हो जाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 10 रुपी की नोट, तो हो गया 10 और 8 हो गया 1 8, 18 रुपीज़ कंप्लीट हो जाएंगे। तो अंकल को, वो गर्ल को, अंकल को कैसे रुपीज़ देने पड़ेंगे, एक 10 रुपीज़ की नोट देनी पड़ेगी और 8 1 रुपी के कॉइन देने पड़ेंगे, जब जाके हो जाएगा ना 1 8 18 रुपीज़ की पेंसिल हो जाएगी। अब आगे क्या है, हाउ मैनी नोट्स एंड कॉइन्स डू आई नीड टू गिव 35 रुपीज़। अब वो क्या बोल रही है कि मैं आपको, अगर मुझे आपको 35 रुपीज़ देने हो तो मैं आपको कितनी नोट्स दूं और कितने कॉइन्स दूं, ऐसा वो अंकल को पूछ रही है। जैसे कि आपने, अंकल ने उससे पहले बताया कि अगर आपको 18 रुपीज़ की पेंसिल चाहिए तो आप मुझे क्या दो, एक ऐसे 10 रुपी के नोट दो और 8 रुपी के एट कॉइन्स दो, 1 1 रुपी के। तो फिर वो गर्ल पूछती है कि अगर मुझे 35 रुपीज़ आपको देने हो तो मैं आपको कितनी नोट्स दूं और कितने कॉइन्स दूं। 35, अब आपको ये पता करना, आपको आ जाना चाहिए कि यहाँ पे 35 मतलब यहाँ पे 3 टेंस की बात हो रही है। मैंने कहा था ना 2 0 20 के बाद जितने भी नंबर्स आते हैं 2 टेंस में आते हैं, फिर 3 0 30 के बाद 3 3 3 3 3 जो आता है ना 3 1 31 3 2, तो उसमें 3 टेंस होते हैं हमारे। ऐसे 4 0 40 की लाइन स्टार्ट हो जाती है तो 4 टेंस होते हैं, फिर 5 0 50 की लाइन स्टार्ट हो जाए तो 5 टेंस होते हैं। वैसे ही यहाँ पे आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे 3 5 35 है, दैट मीन्स कि ये 3 जो है वो हमारा टेंस है, 3 टेंस है, है ना। यहाँ पे 3 और टेंस मतलब इसमें 3 10 ऐड हुए हैं, और ये 5 हमारा क्या है, 1s है, ठीक है। तो अभी आज शॉप को हमको, अंकल को वो गर्ल पूछ रही है कि मुझे आपको 35 रुपीज़ देने हो तो मैं आपको कितनी नोट्स और कितने कॉइन्स दूँ। तो अंकल क्या बोलते हैं, यू गिव मी 3 10 रुपी नोट्स एंड 5 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी। अंकल बोलते हैं कि आपको मुझे ऐसे 10 रुपी की जो नोट आती है वो आपको 3 देनी है, जैसे कि ये रही मेरे पास। ऐसे आपको मुझको 1 2 3, ऐसे आपको मुझे 3 10 रुपी की नोट देनी है। ये क्या हो गया, 1 10 2 10 3 10, क्या हो गया, 3 टेंस हो गया, मतलब 3 0 30 हो गया हमारे पास। तो अंकल ने उसे क्या बोला, आप मुझे ऐसी 10 10 की 3 नोट दो। देखो बच्चों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 10 रुपी की नोट के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम 10 रुपी की नोट यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको, अगर जैसे कि 2 आगे और भी नोट होती है ना, 2 0 20 की होती है, 5 0 50 की होती है, तो आप वो वैसे करके भी आप जो चीज़ आपको काउंट करनी है वो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 10 रुपीज़ की नोट के बारे में बात किया गया है, इसलिए हम 10 रुपी की नोट का यूज़ कर रहे हैं। तो अंकल बोलते हैं कि आप मुझे ऐसे 10 रुपी की नोट दो, है ना, तो मतलब 3 0 30 हो जाएंगे। अब बचा कितना हमारे पास, 5, 3 टेंस हो गया, अब बचा कितना, 5 कॉइन्स बोला है अंकल ने देने को। तो ये है रहे हमारे पास 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 हो गए, 1 2 3, 3 टेंस मतलब 3 और 1 2 3 4 5, 5 1s, क्या हो गया, 3 5 35। तो अब वो अंकल को इतने पैसे वो देगी, 3 10 रुपीज़ की नोट और 5 1 रुपीज़ के कॉइन्स, हो गया 3 5 35। अब क्या है यहाँ पे आगे, ओके अंकल, इफ हे जस्ट टेल मी हाउ मैनी पेंसिल डू यू वॉन्ट। अब अंकल पूछते हैं, चलो अभी आपने इतनी सारी चीज़ तो मुझसे
आपने सीख लिया, अभी मुझे बताओ आपको कितनी पेंसिल चाहिए। नोन, थैंक यू अंकल फॉर हेल्पिंग मी विथ माय होमवर्क। फिर वो गर्ल क्या बोलती है, नहीं मुझे एक भी पेंसिल नहीं चाहिए, मैं तो जो मेरा होमवर्क था स्कूल के लिए उसके बारे में ही आपसे मैंने ये हेल्प ली। अब क्या है यहाँ पे, कैन यू डू दिस विदाउट अंकल्स हेल्प, डो द 10 रुपी नोट्स एंड 1 रुपी कॉइन्स यू विल गिव फॉर दिस थिंग्स। अब आपको क्या बोलना है कि आपने वो सीख लिया अंकल की हेल्प लेके, पहले हमने कितने रुपीज़ देने हैं, उसको कैसे डिवाइड करेंगे 10 रुपी की नोट्स में और 1 रुपी के कॉइन में, कैसे अब उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बांटेंगे। तो उसके अब आपको हेल्प, अंकल के बिना हेल्प के हमको यहाँ पे हमको कुछ चीज़ दी गई और उसकी पर्टिकुलर अमाउंट दी गई है, तो उसको हम कैसे उसको डिवाइड करेंगे, कितने में हमको 10 रुपी की नोट में डिवाइड करना है और 1 रुपी के कॉइन्स में। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे लिखा है किसका है, यहाँ पे कुछ बुक्स हैं, उसका रेट क्या है 2020 है, तो हम यहाँ पे कितने नोट्स, यहाँ पे ओनली 10s है, 2 10s, 2020 मीन्स 2 10s, मैंने आपको पहले समझाया था ना, तो यहाँ पे एक भी 1s है वो नहीं है, तो हम क्या ड्रॉ करेंगे, 2 10s रुपीज, मतलब 2 10 रुपीज की नोट ड्रॉ करेंगे। हो गया 2 10s, हो गया ना, देट मीन 2020 हो गया ऐसा। अब यहाँ पे जो बोतल का अमाउंट है 3232 है, मतलब हमें कितने 10 की नोट ड्रॉ करनी पड़ेगी, 3 10s है ना, तो 3 10 की नोट हम ड्रॉ कर लेते हैं। हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 3 3 10s, मतलब 3030। अब क्या है यहाँ पे, 2 1s है ना, तो प्लस 2 हो गया 3232। यहाँ पे आपको बोला है ये 2 2, यहाँ पे बोला गया आपको 1 रुपी के कॉइन ड्रॉ करना है 1s का, तो हम यहाँ पे कॉइन्स भी ड्रॉ कर लेंगे ऐसे 1 रुपी के कॉइन। हो गया 1 रुपीज हो गया, 1 2 3 3 0 30 प्लस 2 coins 3232। अब यहाँ पे किसका है अमाउंट, 5555 है, जो है कलर बॉक्स है उसका 5555 उसका रेट है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको आगे देखना है कितने 10s है, 5 10s है, यानी हमको 5 10 रुपीज़ की नोट ड्रॉ करनी है, 1 2 3 4 5। वंस कितने हैं, 5 है, तो 5 coins हमको ड्रॉ करने हैं, 1 2 3 4 5 रुपीज़ 1। हो गया, यहाँ पे रुपीज़ टेन हो गए, 1 2 3 4 5 5 10s, दैट मीन्स 5050, और 1 2 3 4 5 5 1s क्या हो गया, 5555। अभी नेक्स्ट क्या है, हाउ मच मनी डू दिस नोट्स एंड कॉइन्स मेक। अब आपको उसको यहाँ पे नोट्स दिए गए हैं, आपको कितने और नोट्स और कॉइन्स है वो आपको गेस करके यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 3 नोट्स है 10 10 की, क्या हो गया 3030। सेकंड वाले में क्या है, 1 2 2 नोट्स है 10 10 की, तो 2 10s हो गए, सबसे पहले 2 लिख दो यहाँ पे, 2 कॉइन्स कितने हैं, 1 1 2 3 हो गया 3 2 3 23 रुपीस, कितना इजीली हमने इसको काउंट कर लिया। अब यहाँ पे ओनली कॉइन्स से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉइन्स है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे 2 नोट्स है, सबसे पहले 2 नोट्स है, दैट मीन्स 2 10s
टू नंबर लिख दो। अब कॉइन्स काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेवन कॉइन्स है, क्या हो गया 2, 7, 27। यहाँ पे कितने 10 के नोट है, 1, 2, 3, 4 फोर 10 की नोट है, दैट मीन्स 4, 0, 40 क्या हो गया 4 tens। अभी कॉइन्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 फाइव कॉइन्स है, क्या हो गया 4, 5, 45। अभी आगे क्या है, प्रैक्टिस टाइम। आई विल से द नंबर, गेस द ब्रेकअप। ओके यू से इट, आई विल डू इट। अब क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक बॉय है, बोल रहा है कि चलो मैं आपको एक नंबर देता हूँ, आपको गेस करना है, उसे ब्रेकअप करना है। ब्रेकअप मतलब वो जो मैं नंबर बोलूँगा आपको वो नंबर गेस करना है कि कौन सा है, फिर उसको अलग करना है आपको। सो यहाँ पे बोलता है ओके यू से इट, आई विल डू इट। ओके वो बोलता है आप बोलो, मैं उसको करता हूँ। ये बोलता है यहाँ पे 64, तो उसने तुरंत माइंड में लगा लिया कि हाँ 64 है तो मतलब 60 + 4 क्या हो गया 64। ये उसने ये वाला नंबर बोला, क्योंकि यहाँ पे जब वो बोल रहा है नंबर तो उसमें ही हमको पता चल जा रहा है कि हाँ ये तो 64 बोल रहा है, तो क्या होगा 60 + 4। उसने यहाँ पे क्या किया, ब्रेकअप किया, अलग किया। फिर उसने सेकंड नंबर बोला 25, 25 भी उसको इजीली पता चल गया है कि हाँ 25 बोलने में हमने इजीली उसको फाइंड कर लिया कि हाँ 20 मतलब ये 25 + 5 मैंने इजीली उसको ब्रेकअप कर लिया 25 25। अब क्या है, व्हाट अबाउट 12, हाउ विल यू डू दैट। अब उसने एक नंबर बोला 12, अब बोलते हैं कि इस नंबर को आप कैसे फाइंड कैसे आप बोलोगे। तो अब 12 बोलने में तो हम उसको तुरंत ब्रेकअप नहीं कर सकते ना, जैसे ये है इजिली हमने ब्रेकअप कर लिया, बोलने में ही हमने तुरंत ब्रेकअप कर लिया 64 25, बोलने में ही ब्रेकअप हो गया, अलग हो गया। लेकिन अगर हम 12 बोलेंगे तो वो बोलने में तो नहीं होगा ना, जैसे कि सी 4 64, जैसे 64 and 25 द नंबर्स नेम टेल अस द ब्रेकअप। देखो जो 64 नंबर था 25 नंबर था, वो बोलने में ही हमारा ब्रेकअप हो जा रहा था, बोलने में ही हम वो अमाउंट को अलग कर दे रहे थे। लेकिन 12 नंबर ऐसा है जो हम बोलने में उसका ब्रेकअप नहीं कर सकते, वो हमको लिख के फाइंड करना पड़ेगा। जैसे बट 12 इज डिफरेंट, सो आर 11 and 19 है ना, जो ये सारे नंबर हैं डिफरेंट, जैसे 11, 12, 19 उसको हमको लिख के उसको ब्रेकअप करना पड़ेगा, बोलने में उसका ब्रेकअप नहीं होता है। जैसे ये सारे नंबर का बोलने में ही ब्रेकअप अलग हो जाते हैं वो। नाउ यू राइट दिस एंड ऑल्सो से देम अलाउड। आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, आप उसको लिखना है, अलग करना है। जैसे यहाँ पे 2, 7, 27 लिखा है, हमको यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, हमको सिर्फ हमारे पास वंस लिखा हुआ है, हमको टेंस लिखना है, कितने टेंस है 2 tens। 3, 1, 31 ओके यहाँ पे 2, 0, 20 आएगा, 2, 0, 20 + 7। अब यहाँ पे क्या है, 3, 1, 31 मतलब 3 tens है, 3, 0, 30 ones कितना बचा हमारे पास 1। यहाँ पे 5, 4, 54 मतलब 5 का मतलब 5 tens, 5, 0, 50 ones कितने हैं 4। सेकेंड है 9, 0, 90 tens है और 9 ones है, कितना होगा 9, 9, 99 हमको उसको हमने इसको फाइंड कर लिया 9, 0, 90 मतलब यहाँ पे 9 लिखेंगे प्लस 9 ones 9 ones। फिर है 6, 3, 63 इसमें 6 जो है हमारा वो टेंस है, 6, 0, 60 और 3 ones है। फिर 3, 6, 36 इसमें 3 tens 6 ones, 8, 0 और यहाँ पे है 2 यहाँ पे है 2 मतलब 8, 2, 82 8 tens and 2 ones 82। अभी आप क्या, यू विल ट्राई राइटिंग द ब्रेकअप फॉर दिस। आपको इसका ब्रेकअप करना है, इजीली कर लो, जैसे हमने इसमें किया 12 लिखा है तो 10 + 2 = 19 9 ones लिखा है, हमको ओनली 10 लिखना है। 11 में 1, 0, 10 और 1 ones यहाँ पे 10 + 7 दैट मीन्स 1, 7, 17। अब यहाँ पे है बैंगल्स थ्रो, मतलब बैंगल को थ्रो करने वाला कुछ गेम है। क्या लिखा है, क्या बोला है यहाँ पे, कर्मा एंड गीजर
इन प्लेइंग अ बेंगल्स गेम कर्मा हैज थ्रो द बेंगल्स ऑन द डोर्स, है ना। तो यहाँ पे जो कर्मा और गेजर गीजर है, उन्होंने एक गेम खेला है। क्या क्या गेम है? यहाँ पे इतने सारे आपको डोर्स दिख रहे हैं और ऐसी एक बैंगल है। बैंगल मतलब ये जो मेरे हाथ में कड़ा है ना, ऐसा राउंड वाला ऐसा बैंगल है। तो उसे उसमें क्या कर रहे हैं, उसमें थ्रो कर रहे हैं, मतलब फेंक रहे हैं डोर्स पे, ऐसा कुछ गेम है। कि क्या बोला है, थ्रो द बैंगल्स ऑन द डोर्स, हमको जो डोर्स है उसमें बैंगल है वो फेंकना है। ईच बिग रेड डॉट इज इक्वल टू 10 points। अब क्या बोला है, जो बिग रेड डॉट है यहाँ पे, जो बड़े से रेड कलर के डॉट हैं, उनका पॉइंट कितना है, 10 है। ईच स्मॉल ग्रीन डॉट इज इक्वल टू 1 point। और यहाँ पे जो छोटे छोटे ग्रीन कलर के डॉट्स दिख रहे हैं ना, उनका पॉइंट कितना है, 1 point है। द डॉट्स इन साइड द बैंगल्स आर, अब यहाँ पे कर्मा ने या किसी ने भी ऐसा बैंगल थ्रो किया है तो बैंगल पे आपको देखना है कितने रेड डॉट्स हैं और कितने ग्रीन डॉट्स हैं। तो हम काउंट कर लेते हैं, रेड डॉट्स 1, 2, 3, 4, 4 रेड डॉट्स हैं। अब रेड डॉट्स का पॉइंट कितना है, 10, तो हम इजीली उसको काउंट कर लेंगे, 10 से काउंट कर लेंगे, 1, 10, 2, 10s, 3, 10s, 4, 10s, हो गया 10 पॉइंट है ना। तो 10 से आप काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 4 10s है, दैट मीन्स 40 पॉइंट हो गए। यहाँ पे देखो डॉट्स 1, 2, 3, 4, पॉइंट्स कितने हो गए, 40 40। अब हमको ग्रीन कलर वाला काउंट करना है, 1, 2, 3, 4, 4 ग्रीन कलर के डॉट्स है, ग्रीन का पॉइंट कितना है, 1 ओनली। कितने वंस हो गए हमारे पास, 1, 2, 3, 4, ये रहे यहाँ पे 4 वंस। कितने पॉइंट्स मिल गए हमको, 4, 4, 44 मिल गए हमको, 4, 4। सो कर्मा हैज़ गॉट 44 पॉइंट्स। तो कर्मा ने कितने पॉइंट्स कमा लिए, 44 पॉइंट्स। अब ट्राई थ्रो द बैंगल्स ट्वाइस ईच, हेयर आर देयर पॉइंट्स। अब आपको कर्मा और गीजर जो है वो एक के बाद एक फेंकेंगे रिंग और फिर यहाँ पे पॉइंट्स लिखते जाएंगे। जैसे फर्स्ट टाइम में कर्मा के कितने आए, 44, और गीजर के कितने आए, 13। तो विनर कौन हुआ दोनों में से, ज़्यादा पॉइंट्स किसके हैं, कर्मा के, तो कर्मा जो है वो विनर हो गई। फिर सेकेंड टाइम में कर्मा के कितने पॉइंट्स आए, 1, 6, 16, और गीजर के कितना आए, 3, 2, 32। तो ये दोनों अमाउंट में से बिग अमाउंट कौन सी है, 3, 2, 32। तो गीजर है इस टाइम विनर हो गया। अब क्या बोला है, ऐसे डॉट्स दिए गए हैं, क्या बोला, यू कैन प्ले दिस गेम विद योर फ्रेंड्स यूजिंग द बोर्ड अबाउट राइट योर पॉइंट्स फॉर ईच थ्रो। आपको क्या करना है, ये गेम आपके घर पे अपने फ्रेंड्स के साथ खेलनी है, किसी का चीज़ का यूज़ करके। फिर यहाँ पे क्या लिखना है आपको, थ्रो थ्रो कितने टाइम्स कर रहे हो वो टाइम्स लिखना है, फर्स्ट टाइम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, कितने टाइम आप थ्रो गेम खेल रहे हो वो लिखना है। माई पॉइंट्स, आपको कितना पॉइंट्स है फिर थ्रो करके आपको यहाँ पे लिखना है। फिर आपके फ्रेंड्स का कितना पॉइंट्स है वो लिखना है, और फिर दोनों में से ज़्यादा पॉइंट्स किसका है उसको हम विनर, यहाँ पे उसका नेम लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 times गेम खेली, फर्स्ट और सेकंड टाइम मैंने खेली है, मैं सबसे पहले मेरे, जैसे मेरा नाम फरीन है, तो मैंने सबसे पहले बॉल थ्रो की, यहाँ पे कितने आए रेड कलर के डॉट, 1, 2, मतलब 2 times हो गए, 2, 0, 20, कितने 1 point है, 1, 2, 3 हो गया, 2, 3, 23। और फिर जो मेरी फ्रेंड थी नेहल, उसने थ्रो किया तो उसके 12 पॉइंट्स हुए यहाँ पे 1, 10 और 2 ones, 10, 11, 12, उसके 12 पॉइंट्स हो गए। तो विनर कौन हुआ, दोनों में से ज़्यादा नंबर मेरा है तो मैं विनर हो गई। फिर सेकेंड टाइम में मैंने थ्रो किया तो मेरा कितना हुआ नंबर, यहाँ थ्रो किया मैंने 1, 2, तो मतलब क्या हो गया, 2 times हो गया। फिर ग्रीन कलर के डॉट किसने, 1, 2, 3, 3 ones हो गए, क्या हो गया, 2, 3, 23। फिर मेरी फ्रेंड नेहल ने थ्रो किया तो उसको कहाँ, यहाँ पे आई बैंगल्स, उसको कितने पॉइंट्स मिले, 1, 2, 3, 4, इसमें 4 कलर के रेड डॉट्स थे यानी 4 times, वंस कितने हो गए, 1 वाले, 1, 2, 3, 4,
फोर रेड कलर के और फोर ग्रीन कलर के, तो फोर रेड मतलब 4040 और वंस कितने हुए, फोर, क्या हो गया, 4444। तो अभी दोनों में से मेरी फ्रेंड को जो पॉइंट है वो ज़्यादा मिले हैं निहाल को, तो वो विनर हो गई। ऐसे आपको अपना अपना और फ्रेंड के साथ आप ये गेम खेलो तो आप उसको यहाँ पे पॉइंट्स और कौन विनर हो रहा है उसका नाम आपको लिखना है। ये गेम आप ज़रूर घर पर ट्राई करना। अभी क्या है, द फ्लूट मैन एंड द रेड्स। एक फ्लूट मैन है जो बांसुरी बजाना वाला होता है ना वो, और उसके रेड्स, रेड्स मतलब चूहे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। आई वॉन्ट समवन टू कैच द रेड्स इन अ बास्केट, फॉर ईच रेड यू गेट वन गोल्ड कॉइन। यहाँ पे एक किंग है और उसके जो बहुत सारे रेड है चूहे इस बास्केट में उसने रखा है, तो वो क्या बोल रहा है कि जो भी मेरे रेड्स को पकड़ के लाएगा और इस बास्केट में रख देगा, मैं उसको क्या करूँगा, एक गोल्ड का कॉइन दूंगा हर एक रेड के पीछे। जैसे आपने वन रेड मुझे पकड़ के दिया तो मैं आपको वन गोल्ड का कॉइन दूंगा, ऐसे आपको मेरे रेड्स को पकड़ना है और बास्केट में डालना है। उतने में आई विल डू इट वट विथ अ फ्लूट। तो यहाँ पे एक फ्लूट वाला आता है, एक बांसुरी वाला होता है, तो वो क्या बोलता है कि हाँ चलो मैं ये काम कर सकता हूँ। तो किंग बोलता है क्या तुम ये बांसुरी से ये काम कर सकते हो, यानी फ्लूट से तुम ये काम कर सकते हो, क्या तुम बांसुरी से ये काम कर सकते हो। तो क्या बोलता है फ्लूट वाला कि हाँ मैं ये इससे ये काम कर सकता हूँ। सो यहाँ पे जो आप देख रहे होगे पिक्चर में, जो ये फ्लूट वाला है वो अपनी बांसुरी बजा रहा है और जो सारे रेट है वो उसके पीछे 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 आ जा रहे हैं, जो फ्लूट है उसकी धुन सुन के। माय रिवॉर्ड सर, आई हैव कलेक्ट 80 रेड्स। फिर वो सारे जो रेड्स है वो कलेक्ट करके लाता है इस बास्केट में और उस किंग है उसको जाके बोलता है कि मैंने सारे के सारे रेड्स पकड़ लिए। कितने मैंने कलेक्ट किए हैं, 80 रेड्स मैंने पकड़ लिए हैं। बट हाउ डिड यू काउंट सो मैनी रेड्स। अब उसने क्या बोला कि आपने 80 रेड्स पकड़ लिए, बट आपने इसको कैसे काउंट करके पकड़ा कि वो 80 रेड्स, आपको कैसे पता कि वो 80 रेड्स थी, आपने कैसे काउंट किया। तो यहाँ पे कुछ उसने मेथड यूज़ की थी कि उसने कैसे काउंट किया। सो सिंपल आई यूज़ दिस कार्ड। तो वो क्या बोलता है कि एकदम सिंपल तरीका है, मैंने कार्ड का यूज़ किया हुआ है। आई काउंटेड वन रेड एंड कैप्ट वन कार्ड इन माई पॉकेट। उसने क्या बोला कि जैसे ही मैं एक रेड को पकड़ता था, वन रेड को पकड़ता था, तो वैसे ही मैं अपने क्या करता था, पॉकेट में से एक कार्ड निकालता था, ऐसे स्काई ब्लू कलर का, इसमें वन लिखा हुआ है, वन कार्ड निकालता था। सो वन फॉर वन रेड, है ना, वन कार्ड फॉर वन रेड, हर एक रेड के लिए वो एक ऐसा वन कार्ड यूज करता था। अब यहाँ पे कितने हैं, टू कार्ड्स हैं, है ना, फॉर टू रेड्स। क्या बोला, टू रेड्स के लिए कितने उसने कार्ड निकाले, टू कार्ड्स निकाले। अब वैसे ही यहाँ पे उसने वन वाले कितने कार्ड्स हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कार्ड्स हैं। तो फॉर हाउ मेनी रेड्स, अब यहाँ पे सिक्स कार्ड है तो रेड्स उसने कितने पकड़े होंगे, जैसे यहाँ पे वन निकाला था तो वन रेड पकड़े थे, टू कार्ड्स निकाले थे तो टू रेड्स पकड़े थे, अब यहाँ पे उसने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कार्ड्स निकाला है, तो उसने कितने रेड्स पकड़े होंगे, सिक्स रेड्स पकड़े होंगे। व्हेन आई हैड टेन कार्ड्स, आई चेंज विद दिस कार्ड 10 इन माय पॉकेट। अब उसने क्या बोला कि जैसे वन वन का तो चलो मैं ये वाला कार्ड यूज़ करता था, लेकिन जैसे ही मेरे 10 कार्ड्स कंप्लीट हो जाते थे, 10 कार्ड्स जो थे मेरे कंप्लीट हो जाते थे, तो मैं कार्ड को चेंज कर लेता था, कौन से कलर में, ऐसा येलो कलर का जो कार्ड है उसमें मैं उसको चेंज कर लेता था, जिसमें क्या लिखा है 1010, है ना, इन माय पॉकेट। जैसे ही मेरा ये जो वन वन वाला कार्ड है वो 10 कंप्लीट हो जाता था, तो मैं मेरा कार्ड चेंज कर लेता था ये वाले कार्ड से। अब यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 कलर के स्काई ब्लू वाले कार्ड, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 5 5 10। जब मेरे ऐसे दोनों 10 वाले 10 कार्ड्स कंप्लीट हो जाते थे, तो मैं इस वाले कार्ड से उसको चेंज कर लेता था जो 1010 है।
अब है देन केम सेवन मोर रेड्स आई देन हैड इन माई पॉकेट। फिर जब मेरे सेवन और रेड्स में पकड़ता था तो मैं कैसे काउंट करता था उसे, ये वाला तो हमारा 10 हो गया, अब वो सिंगल वाला काउंट करेगा 1-1 वाला, ये 10 कार्ड्स तो कंप्लीट है, 10 के बाद वंस ये 10 हो गया, अब वंस काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, उससे 7 और ज़्यादा पकड़ा है ना, 10 तो हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ पे 10 कंप्लीट हो गया, तो 10 का कार्ड उसने इस वाले में चेंज कर लिया तो ये 10 हो गया, अब उसने 7 और पकड़े हैं तो वंस के लिए वो कौन सा कार्ड यूज़ कर रहा है, ये वाला, तो कितने यूज़ किए उसने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 स्काई ब्लू कलर के कार्ड, कितने हो गए टोटल 10, 1, 10 and 7 ones, क्या हुआ 4, 1, 7, 17 reds। Which has cards will he have in his pocket if he has counted up to? अब इसमें क्या बोला है कि जैसे ही वो आगे के जो कार्ड्स रेड्स से वो पकड़ता जा रहा है तो उसको वो कैसे फाइंड करेगा कार्ड को, तो यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे गए हैं, जैसे कि यहाँ पे उसने 2, 3, 23 लिखा है, तो 23 में 2 ये वाले कार्ड यूज़ हुए, 10, 10 वाले हो गया, 10 टेंस के लिए कौन सा यूज़ हो रहा है कार्ड, ये वाला, और 3 क्या है वंस के लिए ब्लू वाला, 1, 2, 3 हो गया 2, 3, 23। अब यहाँ पे क्या है 4, 7, 47, तो हमको 4 10 के कार्ड्स ड्रॉ करने पड़ेंगे 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 10, 10 लिख देते हैं, वंस कितने हैं 7, 7, 1 के लिए हम कौन सा कार्ड यूज कर रहे हैं ऐसा वाला 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पे 7 है ना, यहाँ पे 1 इसमें 1, 1 लिख देते हैं, हो गया 4, 7, 47। वैसे यहाँ पे 5, 5, 55 है, तो 5 हम 10 के कार्ड्स ड्रॉ करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 10 सब लिख सकते हैं, और फिर वंस के लिए कौन सा है ये वाला 5, हमको 1 वाला कार्ड ड्रॉ करना है 1, 2, 3, 4, 5, इसमें हम लिख देंगे 1, 1, 1, 1। वैसे यहाँ पे 63 है, आप वैसा ही करेंगे, यहाँ पे 6 कार्ड ड्रॉ कर देंगे, फिर स्काई ब्लू कलर का कितना ड्रॉ करेंगे 3। ऐसे यहाँ पे 72 है, 7 हमको 10 वाले कार्ड्स ड्रॉ करना है और 2 क्या करना है स्काई ब्लू वाला ड्रॉ करना है, फिर यहाँ पे सिर्फ ओनली 80 लास्ट में कितने हैं 80, 80, तो हम ओनली 10 के कार्ड्स ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वंस कुछ भी नहीं है, 0 है, 8 10s है टोटल, वंस कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम सिर्फ 10 वाले जो कार्ड से वो 8 ड्रॉ करेंगे, तो लास्ट में कौन सी अमाउंट आई 80, 80। अब क्या बोला है द किंग गिव हिम गोल्ड कॉइन्स, फिर जो किंग था उसने जो फ्लूट मैन था उसने कितने रेड्स पकड़े 80, 80, तो अभी जो कॉइन उसको मिलेंगे ना गोल्ड वाले कॉइन फ्लूट मैन को, तो दीज आर नॉट 80 कॉइन्स, अब उसने 80, 80 को रेड्स पकड़े ना, तो जैसे हमको किंग ने क्या बोला था आपको 1 रेड के 1 गोल्ड कॉइन मिलेंगे, तो अब इसने तो कितने पकड़े हैं 80, 80, तो उसे कितने कॉइन्स मिलने चाहिए 80, 80, तो उसने यहाँ पे कुछ यहाँ पे बंडल बना लिए 10, 10 के 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4, 10, 5, 10, 6, 10, 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4, 10, 5, 10, 6, 10 और 7, 10s, यहाँ पे 7 10s तो पूरे उसने कंप्लीट हो गए 10, 10 के, दैट मीन्स 70, 70। अब यहाँ पे जो है वो ओनली क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे ओनली 8 कॉइन्स हो रहे 10 नहीं हो रहे, फ्लूट मैन को सॉरी किंग को तो कितने देने थे 80, 80, लेकिन उसने क्या किया कम दिया, यहाँ पे 10 जो 80 8 10 से वो 80, 80 कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। सो कैन यू गेस व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, फिर आप गेस कर सकते हो कि उसके बाद क्या हुआ होगा, तो उसके बाद क्या हुआ होगा
हैर इन्जॉय योर, उसके बाद क्या होगा, जो फ्लूट मैन है उसने अपने बांसुरी बजाना शुरुआत कर दी और जितने जो भी रेड्स थे वो सारे बास्केट में से बाहर चले गए। उसके बाद तो यही हुआ होगा ना, आप पिक्चर में यही दिख रहे हो ना कि इसने बांसुरी बजाना वापस स्टार्ट कर दी और जो सारे रेड्स वो पकड़ के लाया था वो वापस बाहर निकल गए। आपको स्टोरी इन्जॉय करनी है और उसका जो एक्ट है, एक्ट आउट द स्टोरी इन क्लास, आपको इस स्टोरी की, आपको क्लास में ये स्टोरी का आपको एक्ट करना है। अब यहाँ पे क्या है, क्लीन स्कूल डे, वी हैव क्लीन स्कूल डे, मतलब हमको स्कूल को मतलब क्लीन करना है, ऐसा एक डे है स्कूल क्लीन करने का। सो वी हैव टू क्लीन आवर स्कूल टूडे, वी मेक टीम्स, ईच टीम हैज़ 10 स्टूडेंट। अब क्या बोला है कि यहाँ पे कि हमने स्कूल को, आज हम स्कूल को क्लीन करेंगे। सो वी मेक टीम्स, टीम्स तो हमको उसके लिए क्या बनानी पड़ेगी, टीम्स बनानी पड़ेगी। ईच टीम हैज़ 10 स्टूडेंट, हर एक टीम में कितने स्टूडेंट होने चाहिए, 10 स्टूडेंट्स होने चाहिए। आर टीम विल क्लीन द बेस्ट, हेयर वी गो रब एंड स्क्रब। तो सारी जो टीम बोलते हैं कि हम सबसे बेस्ट अच्छा क्लीन करेंगे, एकदम रब घिस करके अच्छे से उसको क्लीन करेंगे, अपनी अपनी टीम बोलती है। द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑल द क्लासेस आर, अब यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, एक क्लास में कितने स्टूडेंट हैं उसके कुछ यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं। जैसे क्लास फर्स्ट में कितने स्टूडेंट हैं, 53, क्लास टू में है 42, क्लास थ्री में है 35, क्लास फोर में है 54, क्लास फाइव में है 26। लेकिन हमें यहाँ पे क्या बोला गया है, हाउ मैनी टीम्स विल देयर बी इन ईच क्लास, हाउ मैनी स्टूडेंट्स विल बी लेफ्ट राइट देयर। आपको, हमें जैसे पहले बोला गया कि हमको 10-10 की टीम्स बनानी है, अब 10 के बाद जितने नंबर्स बच रहे हैं, यानी जितने स्टूडेंट बच रहे हैं 10-10 की टीम्स बनाने के बाद, यानी वंस हुआ ना जितने बच रहे हैं, तो उसे हमें क्या करना है, लेफ्ट करना है, मतलब निकालना है। तो यहाँ पे क्लास का दिया है हाउ मैनी टीम्स, यहाँ पे कितनी टीम्स बन रही है 10-10 की, और स्टूडेंट्स लेफ्ट, कितने लेफ्ट हो रहे हैं वो लिखना है। सबसे पहले क्लास वन में कितने स्टूडेंट हैं, 53। अब 53 में क्या हो जाएगा, 5 टेंस है ना, यहाँ पे ऐसा आप करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 5 टेंस हो गए, 5, 0, 50, वंस कितने हैं 3, क्या हो गया 50 + 3 = 53, हो गया यहाँ पे 53। 10 कितने हुए, 5, ये मतलब कितनी टीम्स बनेगी, यहाँ पे 5 टीम्स बनेगी। फाइव टीम्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो 3 है उनका 10 कंप्लीट नहीं हो रहा, वो 3 बच रहे हैं, है ना, 3 जो है वंस है हमारा, तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट अब लेफ्ट हो जाएंगे, 3 स्टूडेंट लेफ्ट हो जाएंगे। वैसे ही सेकंड वाले में क्लास 2 में क्या है, कितने स्टूडेंट है, 42, मतलब कितने टीम्स बनेंगी हमारे पास, 4 टीम्स बनेंगी, तभी 4, 0, 40 होगा ना, 4 टेंस होगा ना, 4 10 10 के हमको ग्रुप बनाना है, तो 4, 0, 4, 4, 2, 42, मतलब 4, 0, 40 और 2, 42, यहाँ पे हमारी 10 10 की 4 टीम बनेगी और 2 जो है वो लेफ्ट होंगे और 2 हमारे लेफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद क्या है, क्लास 3 में कितने हैं, 35, मतलब 3 टीम बनेगी और 5 जो है वो लेफ्ट हो जाएंगे। अभी नेक्स्ट क्या है, क्लास 4 में कितने हैं, 55 में 5 टीम्स बनेंगी और 4 लेफ्ट हो जाएंगे, 5 टीम्स और 4 लेफ्ट हो जाएंगे। अब क्या है, लास्ट क्लास 5 में है 26, 26 में कितनी टीम्स बनेंगी, 2 टीम्स बनेंगी और यहाँ पे 6 जो है वो लेफ्ट हो जाएंगे, है ना, इतने स्टूडेंट थे वो लेफ्ट हो गए, चले गए और हमारे पास कितनी टीम्स बनी, हो हमने इजीली हम इसमें सॉल्व कर लिया। अभी यहाँ पे क्या है, हाउ मैनी स्टूडेंट आर लेफ्ट इन ऑल,
अब हमें बोला है कि कितने स्टूडेंट हैं वो लेफ़्ट हो गए हैं, तो इसको हम अगर प्लस करेंगे तो कितने होंगे, 3 + 2 = 5 + 5 = 10 और यहाँ पे क्या है 4 = 40 और 6 = 20। ये सबको अगर हम प्लस करेंगे तो कितना हो गया 2020 हो जाएगा। तो हाउ मेनी स्टूडेंट आर लेफ्ट इन ऑल 2020। सो हाउ मेनी मोर टीम्स कैन बी मेड विथ ऑल दिस स्टूडेंट्स लेफ्ट। अब हमें क्या बोला है कि कितनी और टीम बनेगी जितने स्टूडेंट लेफ्ट हुए हैं उनमें से। तो यहाँ पे कितना है 2020, मतलब कितने 10 यूज हुएंगे यहाँ पे, 1 + 1 क्या होगा इज इक्वल टू 20। कितनी टीम्स और बनेंगी, 1 और 2 टीम कितनी बनेंगी यहाँ पे बोला, हाउ मेनी मोर टीम्स कैन बी मेड विथ ऑल दिस स्टूडेंट लेफ्ट, 2 टीम्स बनेगी यहाँ पे, 10 की 2 टीम्स बन जाएगी। अब क्या बोला प्रैक्टिस टाइम, टीम्स ऑफ 10 इन योर क्लास, फाइंड आउट द नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन इन ईच क्लास ऑफ योर स्कूल, मेक टीम्स ऑफ 10 फॉर ईच क्लास, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर लेफ्ट इन ईच क्लास। आपको भी सेम ये एक्ट करना है अपनी क्लास में, आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट है वो आपको काउंट करना है, फिर क्या करना है हमको 10 की टीम्स बनानी है, कितनी टीम्स बन रही है और उसमें से कितने 10 के बनाने के बाद कितने लेफ्ट हो रहे हैं वो आपको उसका एक स्कूल में इसे प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे जो आपका चैप्टर था 10s और 1s का वो यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू।